देखिए भगवान और महापुरुष का एकत्व भी है और झगड़ा भी है। भक्त भगवान से बहुत प्यार करता है लेकिन जब कभी कभी रूठ जाता है, मान कर लेता है तो गाली भी देता है। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को चौर जार शिखा मणि ही कहती थी, तुम चोर हो। और वास्तव में भगवान के समान चोर और डकैत कौन हो सकता है? जो पैदा होते से ही जेल से फरार हो गए। अरे संसार में ऐसा नहीं होता, इतना छोटा बच्चा उसको जेल में रख दिया जाए वो फरार हो जाए? अरे पहले लोग बड़े होते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर घूस देकर चार दीवारी लांघते हैं, किसी प्रकार से जेल से भागते हैं। और भगवान इतने बड़े चोर की पैदा होते ही जेल से फरार और बाप को लेकर फरार। इसीलिए भक्तों ने भगवान का नाम रख दिया रणछोर। जब भक्तों ने सुना कि भगवान तो जेल से भी फरार हुए और जरासंध के भय से ऐसे भागे कि द्वारिका में ही जाकर सांस ली। देखिए जरासंध जो है ना, ये कंस का ससुर था। जरासंध की दो बेटियां थीं और उन दोनों का विवाह जरासंध ने कंस के साथ किया था। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया तो उस दुख में, उस कष्ट में, उस गुस्से में जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार जब वो अपनी फौज लेकर आया तो भगवान ने सोचा कि इस प्रकार से हर बार दोनों पक्ष के सैनिक मरते हैं, मथुरावासी भी, पब्लिक भी परेशान होती है, चलो मथुरा छोड़कर चलो। द्वारिका में समुद्र के बीच में हम अपनी एक नई नगरी बनाएंगे। तो भगवान ऐसे भागे मथुरा से कि द्वारिका में ही जाकर सांस ली। आप लोग कभी द्वारिका गए हो तो वहां के जो भक्त हैं वो कभी भगवान श्री कृष्ण को राधा रमण या श्री कृष्ण ये सब नाम से नहीं पुकारते, फिर रणछोर, राजा रण छोर मारे, राजा रण छोर द्वारिका के नाथ मारे, राजा रण छोर। बड़े विभोर होते इस भजन को गाकर। रण छोर माने लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने वाले डरपोक। राजा रण छोर मारे, राजा रण छोर द्वारिका के नाथ मारे, राजा रण छोर। जबकि भगवान डरपोक नहीं है। गीता में लिखा है, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रिते पित्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। गीता के 10वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया तो विराट स्वरूप में अर्जुन ने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण की जो दाढ़ें हैं, दाढ़ होती है ना जिससे आप खाना चबाते हैं, उन दाढ़ों में कौरव पक्ष के समस्त सैनिक दबे हुए पिसे हुए दिखाई दिए। तो अर्जुन ने भयभीत होकर कहा, महाराज आपकी दाढ़ों के बीच में
ये बड़े बड़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन इत्यादि और अनेक जितने भी सैनिक हैं कौरव पक्ष के, मुझे ये मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, पिसे हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराज, मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है आपका विराट स्वरूप देखकर। अरे जिनके भय से भय भी भयभीत होता है, भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः भीषास्मात् वातः पवते, भागवत कहती है। जिनके भय से यमराज भी कांपता है, वो भगवान डरने की एक्टिंग करते हैं। यानी रणछोड़ उनका नाम पड़ गया, मथुरा छोड़कर द्वारिका में ही जाकर सांस ली श्री कृष्ण और बलराम ने, समुद्र पार कर गए, जबकि जरासंध तो मथुरा से ही लौट गया था। डर के कारण श्री कृष्ण और बलराम ने पीछे घूमकर देखा भी नहीं कि जरासंध आ भी रहा है या नहीं, भागे गए, भागते चले गए और द्वारिका में जाकर ही रुके। तो भक्त लोग भगवान को कहते हैं कि तुम चोर हो, डरपोक हो, डाकू हो, और प्यार भी करते हैं, उसका मैं बुरा नहीं मानता। तो देखिए, ये लड़ाई चल रही है यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण की। जैसे हम लोग भगवान से सदा लड़ रहे हैं ना, महाराज पहले कृपा करो तो हम शरण में आए, हमें भगवान पर विश्वास नहीं। मैंने बताया संसार वालों पर हम विश्वास करते हैं और हम 84 लाख में घूम रहे हैं, लेकिन हमारी भी जिद है कि हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। अनंत बार हर जन्म में हम संसार वालों की शरणागति स्वीकार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर जन्म में हमने स्त्री, पति, माँ बाप, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी सब की शरणागति स्वीकार की, सबसे भीख मांगी, और जो हमारे असली रिश्तेदार हैं, अपने हैं, उनके सामने झुकने में हमको शर्म आती है। वो एक देशभक्ति का गाना है ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ऐसी जिद हमने अपने स्वामी से, सर्वसमर्थ भगवान से कर रखी है। तो उसी प्रकार का ये दूसरा झगड़ा है, यहाँ रस वाला झगड़ा है कि यशोदा मैया कहती हैं कि पहले मैं दही मथ लूँ तब तुझे गोद में लूँगी। अरे तुझे गोद में लेने से कोई मुझे दुख नहीं होता, मुझे सुख मिलता है, लेकिन अभी तू खेल। और भगवान कहते नहीं, मैं अभी गोद में आऊँगा।